दोस्तों जॉब अलीबाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ बीपीएससी के अधिसूचना जारी, दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12 तक के लिए आवेदन। कल्याण विभाग के जो तहत जो संचालित स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो आप दूसरे चरण में 6 से 12 के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल्याण विभाग के जो संचालित स्कूल हैं, जो कल्याण विभाग इसको संचालित करती है, उसमें भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी जारी होगी। 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। यहाँ देख सकते हैं आवेदन जो है 3 से 14 नवंबर तक और परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होने की है। यहाँ पे उम्मीद रखी गई है और देखिए आवेदन 3 से 14 नवंबर तक होगा, यानी कि 3 तारीख से शुरुआत हो चुकी है, हो जाएगी और सात आपका परीक्षा जो है 7 से 10 दिसंबर तक होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों को जो है 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लिया जाएगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो पिछड़ा माध्यमिक शिक्षा कल्याण विभाग के तहत जो संचालित स्कूल हैं, उसमें भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों के लिए वैकेंसी साथ में ही जारी की जाएगी। बीपीएससी के जो सचिव हैं रघुशन ने यह बताया कि दूसरे चरण में जो पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ साथ अभी जारी किए गए रिजल्ट शिक्षा में कक्षा 11 से 12 9 से 10 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए हैं। लगभग 4,213 पदों को जोड़ा जाए जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर एक सामान्य प्रशासन को भेजा था और इसी के तहत देखिए शिक्षकों को भेज देगा, तो आवेदन पत्र मात्र 12 दिनों का समय दिया गया है और आयोग परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि वर्तमान रिक्त पद भी जुड़ेंगे, जो रिक्त पद रहेंगे उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए जैसे कुछ और लेटेस्ट अपडेट आएगा जो चैनल पर मिल जाएगा, तब तक आवेदन 3 से 14 नवंबर तक करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।